नमस्कार दोस्तों, ट्रिक्स अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में फेस्टिवल पोस्ट ऐप के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों इसमें आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जैसे कि किसी त्यौहार का शुभकामनाएं देने वाला पोस्ट हो या फिर किसी बिजनेस का विज्ञापन हो, ऐसे बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के काम इस ऐप में आप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस ऐप को कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना होगा। कुछ इस तरह का इसका लोगो है। चलिए इसे ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे इसे यूज़ करना है। कुछ इस तरह का बेहतरीन सा इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे साइनअप के ऊपर क्लिक करना है। साइनअप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना नेम ऐड करना है, जो भी आपका नाम है यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और देन आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे सबमिट करना है। इसके बाद आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने फेस्टिवल पोस्ट ऐप का होम पेज ओपन हो जाएगा। इस ऐप को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको प्रोफाइल के अंदर जाना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको माई बिजनेस का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऐड अ बिजनेस पर क्लिक करना है। सबसे पहले तो आपको एक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना होगा, कोई भी लोगो या फिर फोटो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कोने में एक राइट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका लोगो अपलोड हो जाएगा। देन आपको अपना बिजनेस नेम ऐड करना है, उसके बाद अपना प्राइमरी मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद आपको अपना बिजनेस का ईमेल एंटर करना है। अगर आपके पास वेबसाइट है तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना बिजनेस एड्रेस ऐड करना है। उसके बाद आपको अपना बिजनेस कैटेगरी चूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज आपको मिल जाते हैं, जैसे कि एडवोकेट, एग्रीकल्चर, एस्ट्रोलॉजर, आर्ट एंड डिज़ाइन। अगर आपको सेलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे ऊपर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ एडवोकेट, एडवोकेट सर्च करते ही यहाँ पे एडवोकेट का ऑप्शन आ चुका है। देन आपको यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका प्रोफाइल बनके रेडी हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपकमिंग फेस्टिवल के जो भी पोस्ट्स होंगे यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आपको बहुत सारे देखने हैं तो यहाँ पे यू ऑल पर क्लिक करना है। देन आपके सामने जो भी अपकमिंग फेस्टिवल्स है उसके पोस्टर्स यहाँ पे दिख जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे डेट वाइज भी फेस्टिवल्स देख सकते हैं। ऊपर चूज डेट पर क्लिक करना है, आपको डेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद ओके करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सीवी रामन का डेथ एनिवर्सरी है। अगर आपको कोई अदर कैटेगरी की पोस्ट बनानी है तो यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको और कैटेगरी चाहिए है तो यहाँ पे यू ऑल पर क्लिक करना है और आपके सामने बहुत सारे कैटेगरीज आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुजराती कोड्स, हिंदी कोड्स, इंग्लिश कोड्स, यहाँ पे फार्मर्स, बिजनेस न्यूज़, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ट्रेंडिंग। इसके अलावा नीचे यहाँ पे आपको वीडियो का ऑप्शन मिलता है। इसमें आप वीडियोस में आप अपना स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं। स्टेटस यानी कि जो भी आप व्हाट्सएप पर रखते हैं उस तरह का। इसके अलावा नीचे आपको और एक ऑप्शन मिलता है कस्टम का। इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना खुद का डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला नंबर पे ऑप्शन दिया गया है क्रिएट ओन पोस्ट। आप खुद का पोस्ट बना सकते हैं, खुद का वीडियो क्रिएट कर सकते हैं और फोटो से वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह तीनों ऑप्शन ऊपर के काम करते हैं उसके लिए। इसके अलावा यहाँ पे क्रिएट अ विजिटिंग कार्ड का ऑप्शन मिलता है। आप अपना बिजनेस का विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। इसके बाद आपके सामने बहुत सारे विजिटिंग कार्ड्स यहाँ पर मिल जाते हैं। जो कौन सा भी आपको पसंद आता है यहाँ पर उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपना डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देना है। यह सारा डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे आपके मोबाइल में एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, उसको यहाँ पे ओपन करना है। यहाँ पे एक खूबसूरत सा विजिटिंग कार्ड बन के रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप अपना विजिटिंग कार्ड रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, दिवाली सेल, दिवाली विश, गणेश चतुर्थी, हैप्पी कस्टमर, कोरोना रिकवरी, गुरु पूर्णिमा, प्रोडक्ट लॉन्चिंग, एनिवर्सरी की भी आप पोस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।
ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल के आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। पूरा टेम्पलेट्स का भंडार ही इस ऐप में अवेलेबल है। इसके अलावा नीचे और एक ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल का, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। माई बिजनेस के ऊपर क्लिक करके आप अपने बिजनेस के डिटेल्स एडिट कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि फेस्टिवल पोस्ट ऐप को कैसे यूज किया जाता है और इसके द्वारा कैसे आप अपना पोस्ट बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।